हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द लीगल वाणी। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लॉ सब्जेक्ट की आंसर की ऑन 32nd बिहार जुडिशियल सर्विस एग्ज़ाम। हमने जीएस की आंसर की पहले ही अपलोड कर ली है, अगर किसी को गो थ्रू करना है तो प्लीज़ आप लोग चेक कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज़ एन एसेंशियल एलिमेंट फॉर, और इसका करेक्ट आंसर है आंसर और ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉकर वर्सेस ग्रेट नॉर्थन रेलवे इज केस लॉ रिलेटिंग टू, ऑप्शन बी इज करेक्ट, प्री नेचुरल इंजरीज। थर्ड क्वेश्चन, फॉर द केस ऑफ मैलिशियस प्रोसिक्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट नीड टू बी प्रोटेक्टेड, और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंटरेस्ट इन रेपुटेशन। नेक्स्ट, विच चैप्टर ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कंटेन प्रोविजन रिलेटिंग टू क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, और ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, ए एग्री टू सेल टू बी 100 टन ऑफ ऑयल, दिस एग्रीमेंट इज वॉइड ड्यू टू अनसर्टेनिटी। नेक्स्ट, हु वॉज द जज इन फेमस केस ऑफ हार्डले वर्सेज बेलेक्सेंडले, एंड इट वॉज एडवर्ड एल्डरसन, ऑप्शन डी। हु इज द ऑथर ऑफ बुक द प्रोविंस ऑफ लॉ ऑफ टॉट, विनफील्ड। द मैग्जिम डैमनम फेटले रिलेट्स टू, एट का सही आंसर है ऑप्शन नंबर एट का, ए है ऑप्शन ए, एक्ट ऑफ गॉड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेमेडी फॉर न्यूसेंस, और नाइन्थ का ऑप्शन है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीडिंग केस लॉ रिलेटिंग टू डॉक्ट्राइन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। विच इज द नेचर ऑफ डैमेज इन कॉन्ट्रैक्ट, और ऑप्शन डी इज करेक्ट। Who among the following is essential for wagering agreement? Option D is correct. Uncertainty, mutual chance of gain or loss. Parties have no control over the event. All these options were correct. Which section of Indian Contract Act provides that an agreement in restraint of trade is void? So, B option is correct. Next, who among the following was the judge relating to case Dongyu versus Stevenson? और ये केस है, केस को जो जज थे रिलेटिंग टू दिस केस, और है ऑप्शन सही डी, लॉर्ड एकिंगटन। नो फॉर लाइबिलिटी इज एप्लीकेबल इन द मैटर्स ऑफ, और इसका सही आंसर है मोटर एक्सीडेंट क्लेम। इफ अ न्यूज़पेपर पब्लिश अ डिफेमेटरी आर्टिकल रिटन बाय मिस्टर एक्स, हु कैन बी सूड, और इसका सही आंसर है पब्लिशर ऑफ द न्यूज़पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट काइंड ऑफ रॉन्ग्स आर नॉट टॉट, आंसर है डी, सोशल मॉरल रिलीजियस। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, फॉर विकेरियस लाइबिलिटी अ सर्वेंट इज अ पर्सन ऑन होम द मास्टर हैज कमांड और व्हाट टू डू और हाउ टू डू, ए। 19th, इंजुरिया साइन डेमनम मीन्स, 19th का आंसर है ए, इंजरी, लीगल इंजरी विदाउट डैमेज। नेक्स्ट, द डिसीजन इन एशबे वर्सेस वाइड फर्दर्स, 20th का आंसर है ए, विनफील्ड थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, एक्शन फॉर डिफेमेशन कैन बी ब्रॉट बाय, और इसका आंसर है आंसर डी, बोथ, ए एंड सी, बोथ इंडिविजुअल एंड अ कंपनी। वेदर अ मैन मे लॉफुली शूट हिज नेबर टेम्ड पिजन इफ दे आर फाउंड डैमेजिंग द क्रॉप्स, तो इसका आंसर है नो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, इनएविटेबल एक्सीडेंट मीन्स, 23, और इसका आंसर है आंसर नंबर बी, एन अनएक्सपेक्टेड इंजरी विच कुड नॉट हैव फोरसीन एंड अवॉइडेड, ठीक है। नेक्स्ट, नो फॉल्ट लाइबिलिटी मीन्स, और इसका आंसर है एब्सोल्यूट लाइबिलिटी इवन विदाउट एनी नेग्लिजेंस और फॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, टॉट इज अ वायलेशन ऑफ, और आंसर है अ राइट इन
26th, Ram saw that two horses ran away and were causing a lot of traffic inconvenience. He tried to stop the horse but got hurt in the process. Would he able to claim damage from the owner of the horses? तो इसका आंसर है ए, यस. 26th, which of the following legal statement is incorrect? और इसका आंसर है आंसर ए, all agreements are contract. ये गलत है. All contracts are agreement, but all agreements are not contract. Next, every promise and every set of promise forming the consideration for each other is. It's a question number 28 का option है. Answer है option A. Next, any agreement the meaning of which is uncertain is. D, void. An offer is revoked by 30 और इसका ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन है डी. एक ऑफर कैसे रिवोक हो सकता है? डेथ और इंसैनिटी ऑफ द प्रपोजल, लैप्स ऑफ टाइम, कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रिवोकेशन. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अटैच टू द अर्थ मीन्स, और इसका सही ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ द अबव. Next, the transfer of property to B for life and then B's such son from her B's intended marriage who first attained the age of 18 years, the interest of such son is in the property is contingent interest. B option is correct. Next question, A gives his whole property to B out of which one property is under obligation for payment of debt. The donee can take nothing by the gift unless. 33 का सही आंसर है ऑप्शन ए, इफ ही एक्सेप्ट इट फुली. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द रूल अगेंस्ट परपेचुटी इज नॉट एप्लीकेबल अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इफ द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड फॉर द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग अ टेम्पल प्रमोटिंग सती. नेक्स्ट क्वेश्चन, where immovable property of one person is by act of parties or operation of law made security for the payment of money of another, this transaction is known as, aur iska sahi answer hai option C, charges. Next question, for the purpose of making a gift of immovable property the transfer must be effected by, aur iska sahi option hai option D, means A and B both are correct. Next, where on the transfer of property an interest therein is created in favor of a person to take effect only on the happening of specified uncertain event, or if a specified uncertain event shall not happen, such person thereby acquire an interest in the property, the interest is, 37 ka hai B, contingent interest. Which of the following is not an equitable maxim, aur iska sahi option hai option C, equity looks to form not intent. Next, equity will not provide any remedy to the person who, और इसका सही आंसर है option D, all of the above. Next question, which of the following section of the Specific Relief Act 1963 provide that specific performance of contracts connected with trust is enforceable, और इसका सही option है option C, means section 10. Next question, which of one of the following phase or maxim is not a phase or maxim of equity, aur iska sahi option hai option A, delay does not defect equity. Next, 42 question, English law of equity can be applicable in India where. Dekhiye viewers, is question mein thodi confusion hai, hum log discuss karke aap logo ko comment mein update karenge. Next question, X a trustee for Y of a policy of insurance has fund in hand for payment of the premium. X neglect to pay the premium. The policy of insurance is consequently forfeited. Select a correct statement arising out of this situation. Aur iska option A is correct. Next, Fourth, injunction cannot be granted. Aur iska sahi option hai C, when the plaintiff has no personal interest in the matter. Next question, A, a Muslim can enhire a parent on the property of her father. B, a Muslim received
10 lakh in lieu of her share in the property of B during his lifetime. After the death of B, A claim her share in this B property. The matter goes on the court. As a judge of court having jurisdiction over the matter, select a correct decision. और इसका सही option है, option number, question है, wait, question number है 45 और इसका सही answer है, I think इस answer में थोड़ा सा confusion है, इस answer को भी हम लोग update करेंगे, ठीक है. Next question, question number 46, match करना है, match of the following है, और 46 का correct code है, और correct option में है, option B. 47. The right to redeem or institute a suit for redemption of mortgage property is not possessed by. और इसका सही option है option number B. An illegitimate son of joint Hindu family having right to maintenance from the mortgage property. Next question. The principle of fiduciary relationship is incorporated in the Indian Trust Act 1882 in. और इसका सही answer है section 88 option C. 49. X mortgaged his agriculture land to Y for sum of 50 lakh and got the mortgage deed registered. According to the term of mortgage deed, the period of mortgage was for 90 years and also that the mortgagee was entitled to get the mortgage money at any time in this choice. Such mortgage is, aur iska sahi option hai, option C, English mortgage. Next question. Provision based on doctrine of acceleration under the Transfer of Property Act 1882 is, और इसका सही option है, option D, section 27. Next question, specific goods means, मैं जो option है, correct option, वो है option number D, goods identified and agreed upon at time of contract. Next question, question number 52, which of the following is true as regard to delivery of goods by the installment provided under the Sales of Goods Act, और इसका सही option है, option C. Next question. Which of the following statement can be deemed to be promissory note? और इसका सही option है option B. Next question. If the gift is accepted during the life of donor, but the donor dies before registration and other formalities, the gift is. और इसका सही option है option B. Deemed to be accepted and therefore valid. 55 question पे आते हैं, 55th number, which of the following statement is not valid for issuing of bonus share, और इसका सही answer है, D option. Next, which of the following is implied authority of a partner, और इसका सही answer है, 56th A. Next, 57th, which of the following statement, a seller partner of sale of goodwill after dissolution can exercise the right, और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी. 58th क्वेश्चन, ए ड्रॉज अ चेक इन फेवर ऑफ एम अ माइनर, एम इंड्रोसेस द सेम इन फेवर ऑफ एक्स, द चेक इज डिसऑनर्ड बाय द बैंक ऑन द ग्राउंड ऑफ इनएडिक्वेट फंड एज पर द प्रोविजन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, व्हाट इज द रेमेडी विद एक्स, और इसका सही आंसर है एक्स कैन प्रोसीड अगेंस्ट ए. Next, a promissory note, bill of exchange or check payable to bearer is negotiable. Correct option hai A, by delivery, therefore. Next question, while convening the meeting of the company, a resolution either ordinary or special was taken by the members in the following statement, such matter does not relate to special resolution. Or correct option hai A. Next question. Under what circumstances in the following statement partnership shall not treated partnership at will? और इसका सही option है option number 1. An agreement between partners contemplates that the partnership would continue till there are two partners. Next question 62. A warranty is a stipulation collateral to the main purpose of the contract, the breach of which give rise to. और इसका सही option है B. Claim damages. Next, in the below given statement, who would be deemed to partner in the partnership firm? और इसका सही answer है option B. Next question,
where there is unconditional contract of sale of specified goods in a deliverable state, the property in the goods passes to buyer. और इसका सही ऑप्शन है ए, when the contract of sale of good is made. Next, in the below given statement, when it would be treated as inland instrument. और इसका सही ऑप्शन है 65 A. A option is correct. Then 66th question. Which of the following statement is not correct for dormant partner? Option A is correct. Next, under section 275 of Companies Act 2013, company liquidator shall start the winding up process of the company. The liquidator has to exercise the power with the sanction of the tribunal. In the following statement, when can the liquidator exercise the power without the sanction of the tribunal? Iska sahi option mein thoda sa confusion hai. Isko hum update karenge aapko. In which of the following case, the transit of goods is deemed to come to an end? Iska sahi option hai C. Next, which of the following statement is not related to the memorandum of association? Option 1 is correct. Next question. Under the Companies Act 2013, which of the following is not relatable party with the reference to company? And option B is correct. So next question. 71. An admission is a statement which may be. और इसका सही आंसर है option D. All of the above. Next, who may generally not testify? और answer है D. All of the correct. Next, admission not conclusive proof but may stop. The statement is. और सही आंसर है D. The statement is correct. Conditional order for removal of nuisance may be given by. और सही आंसर है all of the above. Next question number 75. Any offence under the Indian Penal Code may be tried by. और सही आंसर है all of the above. 76. Obligation of person making arrest to inform other about the arrest. 2. और सही आंसर है D. All of the above. Next question. Suit for a public nuisance may be instituted. और सही आंसर है D. Only A and B are correct. Next question. 78. When offence of defamation under the Indian Penal Code is alleged to have been committed against a person who is the President of India, the Vice President of India or the Governor of the State, which court may take cognizance? और सही आंसर है 78 का option D. The Court of Session. The Court of Small Causes is established by. और सही आंसर है A. The State Government. Next, 80. Pleading shall mean. और सही आंसर है A. Plaint or written statement. Next question. The doctrine of res gestae speak of the. और सही आंसर है B. Relevancy of fact forming part of same transaction. Next question. In which examination leading question can be asked even without the permission of the court? और इसका सही आंसर है option B. Cross examination. On what ground a second appeal shall lie to High Court under section 100 of CRPC? और इसका सही आंसर है option C. On substantial question of law. Next question देखते हैं. A plaint shall be rejected. और इसका सही आंसर है C. If it does not disclose a cause of action. 85th. Under which of the following provision of the CPC, an ex parte order, an ex parte decree may be set aside? और इसका सही answer है option C. Order 9, Rule 7 and Order 9, Rule 13. Next question देखते हैं. On which conditions the court may grant bail to accused on non-bailable offence? और इसका सही option है option number D. All of the above. Next question. Which is not under the control of High Court in the following? और 87th का सही option है the executive magistrate. Next, the decision of the arbitral tribunal is called. और इसका सही option है option number B. Award. Next question. Under whose direction the same judge of court of small causes shall be judge of more than one such court?
और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। हु मे एडमिट रिटर्न और रिजेक्ट टू एनी प्लेन इन द एब्सेंस ऑफ जजेस ऑफ द कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस, और इसका सही ऑप्शन है बी, रजिस्ट्रार। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेमेडी ऑफ क्यूरेटिव पिटीशन हैज बीन डेवलप्ड बाय द कोर्ट अंडर सेक्शन वन, सॉरी अंडर आर्टिकल 142, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, रिजर्वेशन इन मैटर ऑफ एडमिशन टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सिटीजन मे बी अप्लाइड इन, और इसका सही आंसर है ए, गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। Next question, by which of the following the word armed rebellion was added in the constitution to declare a national emergency, aur iska sahi answer hai, okay to next question hai, list worst and list second select karna hai order mein, theek hai, to iska option b correct hai, subject matter with judgment, option b is correct। Next question, 95th, a person is disqualified for being a member of parliament if he, और ऑप्शन है बी करेक्ट, इफ ही इज डिस्क्वालीफाइड बाय और अंडर द लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। 96th क्वेश्चन, द पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू इशू एन ऑर्डिनेंस इज एन लेजिस्लेटिव पावर। ओके, द सुप्रीम कोर्ट इन आईएल कोहेलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु प्रोनाउंस दैट एनी लॉ दैट एब्रोजेस और एब्रोगेट एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट इवन इन इफ प्लेस इन 9th शेड्यूल, इसका ऑप्शन है सही इतना, फर्स्ट ऑप्शन कैन बी टेस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ओनली इफ 9th शेड्यूल ऑन और आफ्टर 24th अप्रैल 1973। 98 क्वेश्चन देखें, राइट टू बी फॉरबिडन हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय जस्टिस एस के कॉल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज अ पार्ट ऑफ, और 98 का ऑप्शन सही है बोथ, राइट टू प्राइवेसी एंड फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस्ड बाय मैक्सिमम लिमिट ओवर द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर इन द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सो एज नॉट टू एक्सीड 15% ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल, और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 91st अमेंडमेंट एक्ट। 100th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट वेयर द पेन एक्ट इनकॉर्पोरेट द एज इफ इनेक्टेड क्लॉज इन द रिगार्ड टू रूल्स टू बी इनेक्टेड देयर अंडर इट वुड, तो 101 का सही आंसर है। आई थिंक इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है इस आंसर में, हम लोग डिस्कस करके देन वी विल अपडेट यू एज सून एज पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 102, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली पोर्ट्रे द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रॉमिसरी एस्टोपल, और ये इसका सही ऑप्शन है आई थिंक कोड में गिवन है, तो कोड बी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 103. The first attempt toward creation of ombudsman system in India was made in the form of, इसका सही आंसर है the Lokpal and Lokayukta Bill 1968. Next question, where a person legally does some work for or delivers something to the government not intending to act gratuitously and the same is accepted, then in the absence of valid contracts such person may be claim restoration of any benefit derived by the government. Next, the classic case in which for the first time conditional legislation was upheld as valid was, or sahi answer hai, in G. Delhi Law Act 1912. Next question, which of the following is not an incident of procedural ultra-virus of delegated legislation? And iska sahi answer hai, option delaying before the legislation. For adjudging validity of administrative action, consideration of legislative expectation forms part of, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। द जुडिशन ऑफ हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 227 इज इट्स अ सुपरवाइजरी इन नेचर,
Next question. An administrative action or decision may be set aside in the exercise of the court's power of judicial review on the ground of. Iska sahi option hai, option number C, both A and B. Next question, the principle that compensation for violation of fundamental right under Article 21 can be allowed as it is public law wrong, to which the doctrine of sovereign immunity does not apply, was affirmed in case of. Or sahi answer hai option A, Lilavati Behera versus state of Orissa. Next question, freedom of concise and free profession, practice and propagation of religion are subjected to. Iska sahi answer hai D, public order and morality only. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. द राइट्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी डिग्निटी एंड प्राइवेसी अंडर आर्टिकल 21 इज आल्सो अवेलेबल टू अ अनमैरिड वुमन. अबव ऑब्जर्वेशन वर मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन अ रीसेंट केस बाय अ बेंच कंसिस्टिंग ऑफ. और इसका आंसर है आंसर ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, द एज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज. द एज ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट शैल बी डिटरमाइंड बाय सच अथॉरिटी एज मे बी प्रोवाइडेड बाय. और इसका आंसर है ए, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज हैबियस कॉर्पस केस. और आंसर है ऑप्शन बी, एडीएम जबलपुर. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट अंडर आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. और आंसर है बी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया. नेक्स्ट, विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज. और इसका आंसर है ऑप्शन बी, 43B. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन गिव द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द थ्योरी ऑफ प्रीसीडेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट. और इसका ऑप्शन है ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, द डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकेटा डज नॉट अप्लाई इन केस ऑफ रिट ऑफ. और इसका आंसर है हैबियस कॉर्पस. Next question, the Constitution of India contains 12 schedule. Next, during the period of proclamation of emergency, the term of the Lok Sabha can be extended for a period of. Or option hai A, correct. Next question, the short title of the Constitution of India is contained in. Option sahi hai Article 393. Next question, who remarked it is logically impossible to distinguish administrative law from constitutional law and all attempts to do so are artificial. Or answer sahi hai Keith. 123. In ADM Jabalpur versus Shivkant Shukla, it is pointed out rule of law is an antithesis of arbitrariness. It is accepted in all the civilized society. It has come to be regarded as the mark of a free society. Aur ye kisne observe kiya tha? To answer hai C, Justice Khanna. Next, Esprit des Lois, a book contained the doctrine of separation of power written by Montesquieu, was published in the year. Aur ye iska answer hai 1748. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. हेनरी 8 क्लॉज रिलेट्स टू द पावर ऑफ. और इसका सही आंसर है ए, एग्जेम्पशंस. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट. ठीक है, और आंसर है सी, इन कंडीशनल रजिस्ट्रेशन द लॉ डज नॉट कम इन टू फोर्स इमीडिएटली. ये इनकरेक्ट है. Next question, which of the following cases has been described or stated as Magna Carta of natural justice? Aur answer hai option number D, Rich versus Belvin. Next, the judgment of A.K. Karipak versus Union of India is related to, personal bias. Next, 129, which of the following does not relate to nemo debitus jurisdix in propria causa? और इसका सही ऑप्शन है 129 का करेक्ट ऑप्शन है सी, नो मैन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड. नेक्स्ट 130, मैंडमस डज नॉट लाई अगेंस्ट. और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉई. नेक्स्ट देखते हैं,
अंडर द मुस्लिम लॉ द मदर इज अ गार्जियन ऑफ माइनर मेल चाइल्ड टिल ही अटेन द एज ऑफ 5 years. 132 सेक्शन 112 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाइज टू और सही आंसर है वैलिड मैरिजेस. गिफ्ट मेड टू नॉन मुस्लिम मुस्लिम अंडर द मुस्लिम लॉ विल बी और सही आंसर है वैलिड. नेक्स्ट क्वेश्चन सुन्नी सेक्ट इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी स्कूल्स और सही आंसर है फोर. फोर सेक्ट्स में डिवाइडेड है. नेक्स्ट गिफ्ट टू अ माइनर इज वैलिड इफ द पोजेशन इज ट्रांसफर्ड टू और सही आंसर है फादर. विच इज नॉट द मॉडर्न सोर्स ऑफ हिंदू लॉ इसका आंसर है बी. 137 अ वैलिड एंडोमेंट एक वैलिड एंडोमेंट कब होता है डी व्हेन मस्ट बी कंप्लीटेड मस्ट बी स्पेसिफिक मस्ट बी डेफिनेट. नेक्स्ट क्वेश्चन 138 ब्रिज नारायण वर्सेस मंगल प्रसाद इज रिलेटेड टू ये केस किससे रिलेटेड है डेप्थ से रिलेटेड है. नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी शास्त्रिक सेरेमनीज आर देयर इन हिंदू मैरिज एंड दीज आर फोर. नेक्स्ट क्वेश्चन द मदर हैज द कैपेसिटी टू गिव अ चाइल्ड इन एडॉप्शन इफ द फादर ऑफ द चाइल्ड इज आइदर ए बी और सी इज आइदर डेड इज सीज्ड टू बी हिंदू और हैज फाइनली कंप्लीटली एग्रीड. नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू दयाभाग स्कूल ऑल द हेरिटेजेस आर और 141 का सही आंसर है ए ऑब्स्ट्रक्टेड. 142 डिक्री और ऑर्डर ऑफ सेपरेट रेसिडेंस एंड मेंटेनेंस कैन बी ऑब्टेन अंडर सेक्शन 18 ऑफ द हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट एंड अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी. 142 का जो आंसर है वो है बी सेक्शन ऑप्शन बी 125. नेक्स्ट 143 In Vinita Sharma versus Rakesh Sharma, judgment of the Supreme Court, it was held that for a daughter to have right to ancestral property, the father has to be. Iska sahi answer hai D. None of the above. Next question ki aur chalte hain. 144. Section 30 of Hindu Succession Act 1956 authorized a Hindu to dispose of or by will his property aur jiska sahi answer hai C. Both. नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इन लियो ऑफ हिंदू विडो राइट टू मेंटेनेंस एंड बाय द वर्च्यू ऑफ सेक्शन 14(1) ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट शी इज एंटाइटल्ड टू एब्सोल्यूट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी शी इज बीइंग मेंटेन्ड आउट ऑफ नन ऑफ द अबव. 146 द शरियत एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 7th अक्टूबर 1949. नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द ऑड वन आउट ठीक है तो ये है शिया ठीक है. नेक्स्ट द गिफ्ट बाय हिबा बिल इबाज और इसका सही आंसर है ए कैन बी रिवोक्ड बाय डोनर इवन आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द पोजेशन ऑफ हिबा बट बिफोर द डिलीवरी ऑफ इबाज. नेक्स्ट व्हाट इज द रोल ऑफ मुतावलीज अंडर द मुस्लिम लॉ और इसका सही आंसर है ए टू मैनेज वॉक प्रॉपर्टी ठीक है. लास्ट क्वेश्चन देयर वेयर देयर इज कॉन्फ्लिक्ट इन द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ पर्सनल लॉ द गार्जियन एंड वार्ड एक्ट 1890 द लेटर विल प्रिवेल दिस वाज हेल्ड इन केस हकीम मसीहुद्दीन वर्सेस अब्दुल वहीद. तो यहाँ तक हमने सारा डिस्कशन करा है लॉ के पेपर का 32nd बिहार जुडिशियल सर्विसेज. Hope you guys will appreciate our work and please subscribe and share our video and all the best for your result. Thank you.